बात एक ऐसी आफत की जो समय से पहले ही दस्तक दे रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने चेताया है कि इस बार की गर्मी आपको रुला देगी। तापमान इतना ज्यादा होगा कि पिछले 6 साल में पारा इतना कभी नहीं चढ़ा होगा। बड़ी खबर यह है, मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात में अभी से हीट वेव शुरू हो गई है। कई जगह पारा मार्च में सामान्य तापमान से 7 से 8 डिग्री सेल्सियस ऊपर चल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में हीट वेव का दायरा और बढ़ेगा और इसका असर दिल्ली पर भी देखा जाएगा। इस वक्त मौसम का जो मिजाज दिल्ली में बना हुआ है, ऐसा लगता है कि मई का महीना चल रहा हो। उत्तर पश्चिमी हवाओं की वजह से इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। अगले 3 दिन में तापमान और बढ़ेगा, मौसम विभाग की ओर से दी गई है ये जानकारी। अब आपको 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मार्च के महीने में अभी 2 दिन बाकी ही हैं, लेकिन गर्मी अभी से ही मई वाली दिख रही है। दिल्ली में पारा 37 डिग्री के पास है, महाराष्ट्र के रायगढ़ में तापमान 45 के पार है, वहीं शिमला में भी गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शिमला में मार्च में पारा अभी से 25 डिग्री तक चला गया है। ये 3 जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तापमान की स्थिति क्या बनी हुई है, दिल्ली, रायगढ़ और शिमला की तस्वीरें हैं। ये तीनों ही शहर गर्मी से बेहाल हो चुके हैं। मई में जिस तरह की तपती गर्मी होती है, मार्च में ही उस तरह की गर्मी लोग महसूस कर रहे हैं। दिल्ली में भी आज 37 डिग्री जाने का उम्मीद है और कल 36 गया था, यानी कि टेम्परेचर सामान्य से ऊपर बढ़ा हुआ है, यानी 5-6 डिग्री ऊपर ऑलरेडी चल रहा है और अगले 2-3 दिनों में 38 या 39 डिग्री जाने के चांस हैं और पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया में टेम्परेचर ज़्यादा बने रहेंगे और इस बार गर्मी सामान्य से ज़्यादा पड़ने की उम्मीद है। 20 मार्च के आसपास तक तो अनसीजनल रेन जो होती है, यानी प्री मानसून एक्टिविटीज होती रही, यानी कि राजस्थान से लेकर MP होते हुए और वेस्ट बंगाल तक ठंडा शावर और हेल स्टॉर्म एक्टिविटी हुई थी। उस 20 तारीख तक टेम्परेचर अंडर चेक रहे थे, उसके बाद से ये वेदर एक्टिविटी ख़त्म हो गई है और आगे भी जो मॉडल दिखा रहे हैं कि प्री मानसून वेदर एक्टिविटी नहीं है, यानी मार्च में अगले ये महीने के एंड तक तो है नहीं, अप्रैल में भी काफ़ी कम है और मई में थोड़ी सी एक्टिविटी शुरू होगी। तो हम कह सकते हैं कि मार्च का आगे का जो दिन बचे हैं ये और अप्रैल काफ़ी गर्म रहेगा और कह सकते हैं कि 40 से ऊपर टेम्परेचर अप्रैल में ही चला जाएगा और इस बार जो मार्च की गर्मी है वो पिछले कई सालों से जो टेम्परेचर ने रिकॉर्ड तोड़े हैं, यानी 37 के पार जाने की उम्मीद काफ़ी कम रहती है मार्च एंड में, लेकिन 38-39 जाने की उम्मीद है। तो कह सकते हैं कि गर्मी इस बार ज़्यादा ही रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक ऐसा कई सालों के बाद हो रहा है जब मार्च में मई जैसी गर्मी शुरू हो गई है और हीट वेव की चपेट में कई राज्य भी आ गए हैं। कल हीट वेव जो ऑब्जर्व हुई है वो वेस्ट राजस्थान में, वेस्ट मध्य प्रदेश में, गुजरात में हीट वेव ऑब्जर्व हुई है और ये तापमानों में अगर पूर्वानुमान की बात करें तो अगले 3 दिन ये तापमान 1 से 2 डिग्री कुछ जगह में धीरे धीरे और बढ़ेंगे और जो हीट वेव का एरिया है वो थोड़ा बढ़ने की उम्मीद है। उसमें खास तौर से जो हमारा वेस्ट राजस्थान है, यहाँ अगले 2 से 3 दिन हीट वेव रहेगी, साथ साथ गुजरात में, वेस्ट मध्य प्रदेश में, नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र में और अभी जो विदर्भा वाला एरिया वहाँ तापमान हालांकि 40-41 है परंतु उनमें डिपार्चर 4.5 से ज़्यादा नहीं था, पर अब हमको उम्मीद है कि अगले 2 दिन में यहाँ भी हीट वेव जैसी कंडीशन है हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि जो तमाम एरिया है, पूरा जो सेंट्रल इंडिया है, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया है और रेड जोन ईस्ट इंडिया, सभी जगह तापमान बढ़े हुए और कई जगह तापमान 40 या 40 को पार कर गए। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो इंटीरियर उड़ीसा में 40 से 41-42 तक टेम्परेचर रिपोर्ट हो रहे हैं, इसी तरह से विदर्भा में 40 और 41 रिपोर्ट हो रहे हैं। जहाँ तक गुजरात, वेस्ट राजस्थान, वेस्ट MP की बात है, यहाँ भी कई स्टेशनों में तापमान 40 के आसपास है। आइए अब आपको दिखाते हैं मौसम विभाग ऐसी भीषण गर्मी की वजह क्या बता रहा है। देखिए, इसका जो वजह है अगर हम डे टू डे ऑपरेशनल फोरकास्टिंग की बात करें तो एक तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस के जो मूवमेंट है वो काफ़ी नॉर्थ में होने लगे हैं अब मार्च के अंत में। दूसरा, हम देखेंगे कि जो पूरा इंडो गांजेटिक प्लेन्स है वहाँ नॉर्थ वेस्टर्ली हवाएं चल रही हैं और जो राजस्थान और मध्य प्रदेश है यहाँ थोड़े से एंटी साइक्लोनिक, जिनको हम कहते हैं एंटी साइक्लोनिक का मतलब है कि जिनमें सब्सिडेंस टाइप का होता है, तो वो एरिया खासतौर से राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, मध्य महाराष्ट्र बना हुआ, इसके कारण जो तमाम एरिया हैं उनमें तापमान धीरे धीरे पिछले 3-4 दिन से बढ़ रहा है। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।